नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, रेलवे ने ट्रेनों में सोने के समय को बदल दिया है। पहले यात्री रात के सफर में अधिकतम 9 घंटे तक सो सकते थे, लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। पहले यात्रियों को एसी कोच और स्लीपर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति थी, लेकिन रेलवे की तरफ से बदले गए नियम के अनुसार अब रात बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकेंगे। यानी अब सोने का समय घटकर 8 घंटे रह गया है। यह बदलाव उन सभी ट्रेनों में लागू होगी जिसमें सोने की व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका की युवा और विकलांग व्यक्तियों की मंत्री नको सजाना दलामिनी जुमा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि की सराहना की है। उन्होंने डर्बन में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में कहा है कि भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी है। भारत ने उपनिवेशवाद की राख से देश का उत्थान और विकास तक का सफर तय किया है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत शिक्षा के स्तर को और अधिक सुधारने के लिए शिक्षा विभाग पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रहा है। कहीं योग, वेद, भारत दर्शन, आयुर्वेद, उद्यमिता तो कहीं गीता ज्ञान व खेती बाड़ी को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी संस्कृत स्कूलों में अब 5वीं कक्षा से ही वैदिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। वही वित्त वर्ष 2022-23 की इनकम का खुलासा इस तारीख तक किया जाना जरूरी है। आयकर विभाग का कहना है कि आप अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने एक खास ऐलान भी किया है जिसके बारे में लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को अपनी आय की जानकारी देनी होती है। लोगों ने वित्त वर्ष में जितने माध्यमों से कमाई की है उसका ब्यौरा दिया जाना काफ़ी ज़रूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी रिया चक्रवर्ती की जमानत वाले फैसले को चैलेंज नहीं करेगा। एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा है कि वे बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के पक्ष में नहीं है। जाहिर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिया करीब 28 दिनों तक जेल में रही थी। उन्हें 2020 अक्टूबर में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। रिया ने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया है। मणिपुर में हिंसा के बीच मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। राज्य में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। 4 मई के इस वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ एक समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इस पर पुलिस ने कहा है कि मामले की जाँच चल रही है। टीके या फिर किसी उपचार की खोज के लिए बच्चे, किशोर और बुजुर्गों पर वायरस का प्रयोग अब गैर कानूनी होगा। केवल 18 से 45 वर्ष की स्वस्थ आबादी पर ही ट्रायल किया जा सकेगा। ट्रायल में प्रतिभागी बनाने से पहले वैज्ञानिकों के दल या फिर फार्मा कंपनी को सभी का बीमा भी कराना होगा। साथ ही अध्ययन के दौरान उन्हें जीवित विषाणुओं से प्रतिभागियों को संक्रमित किया जाएगा जिसका दुष्प्रभाव होने पर दवा या इलाज उपलब्ध हो। आगामी दिनों में यह सभी नियम नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन पर लागू होंगे। दिल्ली में बारिश, बाढ़ और जल जमाव के बाद अब मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। बाढ़, बारिश और जल जमाव ने दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे को बढ़ा दिया है। डॉक्टरों की माने तो इस साल अस्पतालों में पिछले महीने की तुलना में जुलाई महीने में डेंगू के मरीज ज्यादा आए हैं। एमसीडी ने अपने साप्ताहिक रिपोर्ट में भी माना है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही डेंगू से अब तक 27 लोग संक्रमित हो चुके हैं। एमसीडी के मुताबिक इस साल डेंगू के 163 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इस साल डेंगू के जो आंकड़े हैं वह पिछले 6 वर्षों में इस अवधि तक में सबसे अधिक हैं। ई सिगरेट के दुष्प्रभावों को नहीं जानने वालों में 52% बच्चों को लगता है कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता और यह फैशनेबल लगता है। 37% को लगता है कि इनसे कुछ नुकसान होता होगा, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या नुकसान होता है। शहरों के 89% के शोर नशे बेचने वाली कंपनियों की बाजार नीति में फंस रहे हैं। यह जानकारी थिंक चेंज फोरम के दिल्ली सहित 12 से ज़्यादा शहरों के में किए गए सर्वे में सामने आई है। जम्मू कश्मीर के एकमात्र हिरासत केंद्र के अंदर झड़पें हुई। जब जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपनी रिहाई या म्यांमार वापस भेजने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 270 रोहिंग्या शरणार्थियों 2 साल से अधिक समय से हिरासत केंद्र में बंद हैं और लगातार हिरासत में रखे जाने के खिलाफ अक्सर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। देश में इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसका टिकट काफ़ी महंगा होने की वजह से गरीब लोग इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से अब रेलवे ने गरीबों के लिए एक अलग तरह की वंदे भारत चलाने का फैसला लिया है, जिससे गरीब लोग भी इस तरह की सुविधाओं से लैस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। अब रेलवे आम जनता के लिए एक साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला ले रही है। यह एक नॉन एसी ट्रेन होगी जिसका किराया भी काफ़ी कम होगा। इसके साथ ही इसमें सुविधाएँ वंदे भारत ट्रेन जैसी ही होंगी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसे सुरक्षित वीआईपी ट्रेन होने के बाद भी बदमाशों पर नकेल कसने में रेल पुलिस नाकामयाब हो रही है।
24 दिनों बाद फिर बदमाशों ने बुधवार को रात राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाया। बदमाशों ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के सराय घोसावर के बीच पत्थर मार कर बीच चार कोच के बाईं तरफ के खिड़की का शीशा तोड़ डाला। नजदीक से बड़ा पत्थर मारने के कारण उक्त कोच के बीच चार के बर्थ संख्या 33 पर जा गिरा। इसके चलते उक्त कोच में यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। गुजरात, केरल, उड़ीसा और तेलंगाना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया। ऐसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऐसे लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के चार जजों को चीफ जस्टिस के तौर पर पदोन्नत किया गया है। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। यह सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें राज्य के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ ही कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस याचिका को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया और 24 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान दो महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में दोनों सरकारें कार्यवाही करें। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न करके घुमाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी इस मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोक लाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़ कर घी पी रहे हैं। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। हाल में ही हरभजन सिंह पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जलंधर पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरभजन सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच शामिल होकर मिट्टी की बोरियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हरभजन सिंह ने कहा है कि हमें इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से हटकर हमें बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं राजनीति के चलते नहीं बल्कि निजी तौर पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा हूँ। हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं संसद में केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग करूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धोखाधड़ी के आरोप में साइबर सेल की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें दिल्ली पुलिस के 3 कर्मचारी और परीक्षा केंद्र के 3 कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों ने एक शख्स को परीक्षा में पास कराने के लिए 9 लाख रुपये लिए थे। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर CM का इस्तीफा मांगा है। संसद के सत्र में शामिल होने पहुंचे ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद ख्याल आया कि मणिपुर में कुकी समुदाय का जनसंहार किया गया। अब वीडियो वायरल हो रहा है, इस वजह से PM मोदी को बोलना पड़ रहा है। वहां पर पिछले काफ़ी दिनों से लोगों की हत्याएँ हो रही हैं। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने गुरुवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, यह गोदी मीडिया का काम है। बीजेपी के लोगों का समय खत्म हो चुका है और अब गलती से उभरने का टाइम आ चुका है। यह तो प्रकृति का नियम है और समय बलवान होता है कि जो सत्तासीन है उसे एक न एक दिन हटना ही होता है। इन लोगों का भी टाइम आ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों पर बातचीत नहीं होती। इन लोगों को नफरत फैलाना है। बेंगलोर में विपक्षी एकता की बैठक से नीतीश कुमार नाराज हैं। वे बैठक से जल्दी क्यों निकल गए? संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी क्यों नदारद रहे? ऐसे कई सवाल मंगलवार की दोपहर से सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। हालांकि सारे सवालों के जवाब खुद नीतीश कुमार ने दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम किसी बात से नाराज नहीं हैं। मुझे मलमास मेले के उद्घाटन के लिए राजगीर आना था, इसलिए जल्दी लौट आया। केंद्र सरकार आज से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में कुल 31 विधेयकों पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें वे विधेयक भी शामिल हैं जो पहले ही निचले सदन में पेश किए जा चुके और संयुक्त समितियों को भेजे गए हैं। समाचार एजेंसी ANI को मिली सूची के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन बिल केंद्र के एजेंडे का हिस्सा है। हालांकि सभी की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 विधेयक पर होंगे, जिसका आम आदमी पार्टी सरकार ने कड़ी आलोचना की है। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। चीफ जस्टिस ने गुरुवार को कहा है कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं। ये अध्यादेश केंद्र सरकार ने बीते 19 मई को जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया वॉशिंगटन और पेरिस यात्रा से यह साफ हो चुका है कि वैश्विक बिरादरी, खासकर विकसित देश, भारत को गंभीरता से ले रहे हैं और वे भारत को सहयोगी, सहकर्मी की भूमिका में देखते हैं, किसी सबऑर्डिनेट के रोल में नहीं। भारत की मौजूदा सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि बड़े देशों की राजनीति और क्षेत्रीय भू राजनीति को मिलाने वाली रेखाएँ अगर लगातार देखभाल में ना रखें तो धुंधली पड़ जाती हैं।
देश की लोकप्रिय एसयूवी निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय सेना को स्कॉर्पियो क्लासिक एसयूवी के पहले बैच की डिलीवरी की है। कंपनी स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडलों को खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बना रही है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सेना को सौंपा जा रहा है। गौरतलब है कि महिंद्रा से जनवरी में भारतीय सेना से 1470 स्कॉर्पियो क्लासिक एसयूवी का ऑर्डर मिला था। सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश जारी कर दो मणिपुर की महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर न करने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है। मीडिया के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। मणिपुर में कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में गुस्सा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा है कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मणिपुर पर मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। विश्व कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस साल भारत की मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है, जिसका आगाज 5 अक्टूबर से होगा। इस बार विश्व कप 2023 की ट्रॉफी को ऐतिहासिक तरीके से लॉन्च किया गया था। विश्व कप की ट्रॉफी की लॉन्चिंग आसमान से, इस वक्त वर्ल्ड कप की ट्रॉफी विश्व टूर पर है और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर देश का दौरा कर रही है। इस बीच ICC ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान विश्व कप 2023 की ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं। पिछले 7 महीने में 8 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल MP के कूनो नेशनल पार्क अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए कब्र बन गया। यहां 7 महीने के अंदर अफ्रीका से लाए गए 8 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि सभी चीतों को अलग अलग जगह ना रखकर एक ही जगह क्यों नहीं रखा जा रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमन कुमार, बाबूलाल मरांडी, नौशाद अंसारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, तुलसी यादव, संजय चौधरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ों को प्रसारित होने से रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।